फाइनली हिमाचल टूर के सेकंड लास्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे हम बाइक को चलाते चलाते बहुत ज्यादा गए थे थक, इसलिए हमने ये टी पॉइंट देखा एंड देन वी डिसाइडेड टू टेक रेस्ट फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन वी कैन स्टार्ट आवर जर्नी। वाह, हम इन पहाड़ों के बीच में। और हम कहाँ बैठे हैं? ये है खटिया, इसे कहते हैं खटिया। ये बहुत एक अच्छी चीज़, मतलब करते करते बाइक पर चला देना थक गए हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बताओ, अच्छा था, कुछ बताओ। थक गया है कोई बाइक चला चला के? ओह, तो गाइस ये है खटिया जो हमारे पुराने जमाने में यूज होता था। दिस इज सुपर्ब एंड कम्फर्टेबल। टॉय ट्रेन के ब्रिज है जो मैंने आपको पीछे दिखाया था सामने, क्योंकि अभी कुछ जगहों पे ट्रैक उसकी ख़राब हो गई इसीलिए टॉय ट्रेन नहीं चल रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हम उसी के सामने वाले यहाँ पे हाईवे पे, हिमाचल के हाईवे और सड़कों पे ये छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको स्नैक्स और सब चीज़ें खाने मिल जाती हैं। बहुत अच्छा चेयर और खटिया उन्होंने लगा रखा है, आप रेस्ट भी कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं बहुत टाइम तक, तो उनको स्पेस चाहिए होता है, तो भी रिलैक्स ऐसे रेस्ट कर सकते हो। मैं भी दिखाती हूँ आपको। तो गाइस इसीलिए अगर आपने मेरे हिमाचल टूर के पहले के पार्ट्स देखे हुए हैं तो मैंने वहाँ पे कहा है कि बाइक ट्रैवलिंग इज़ नॉट रियली इजी, बिकॉज आप कुछ ना करके ही थक जाते हो। मतलब पीछे वाला जो चला रहा है बाइक उसकी तो अलग बात है, वो तो थकता ही है, लेकिन जो पीछे बैठा हुआ है उसकी भी हालत ख़राब होती है। तो यस गाइस, इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो लोग इनफैक्ट फोर व्हीलर में भी आए हैं और यहाँ पे आकर अच्छा खासा स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं हिमाचल में पहाड़ों पर, और अपने कार को रोक कर थोड़ा रेस्ट भी कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे चारपाई जिसे हम खटिया भी कहते हैं वो लगी हुई है। हर एक स्टॉल पे आपको वो देखने मिलेगी। मेन्यू में यहाँ पे बहुत कुछ था, टिक्की, कुलचे और इसके बाद चाट। और यस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको हिमाचल में ठंडी जगहों पे बेसिकली देखने मिलेगी वो है मैगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी, लेमन सोडा भी था। तो देखते हैं हम उसमें से क्या लेते हैं। लिया है यहाँ पे कुलचे, टिक्की कुलचा। और बस फिर क्या था गाइस, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। इसी नोट के साथ हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ गए और माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने हम अपने रास्ते पर आगे निकल पड़े। तो गाइस चलते हैं और हमारा सफ़र यूं ही जारी है, बहुत जल्दी हम माता चिंतपूर्णी टेम्पल पहुंच जाएंगे। तो यस लेट्स गो गाइस। मुखी लिपि को क्रॉस कर लिया है, लास्ट हमने देखा था तो 45 किलोमीटर्स दिखा रहा था चिंतपूर्णी के लिए, एंड स्टिल वी आर ऑन चिंतपूर्णी रोड। सो इट्स 3:30 राइट नाउ एंड लेट्स सी व्हेन वी रीच टू चिंतपूर्णी। अब यहाँ से सिर्फ 2 से 3 मिनट रह जाते हैं चिंतपूर्णी टेम्पल पहुँचने में और फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। बहुत मतलब अभी देख रहे हो आप 4:20 हो गया, तो इतने टाइम से वी वॉज जस्ट राइडिंग, नाउ वी हैव रीच्ड, तो विल शो यू अहेड। और बस 2 मिनट में हम होंगे चिंतपूर्णी मंदिर के अंदर। सामान यहाँ पर रख दिया है, ये रहा मंदिर माता श्री चिंतपूर्णी।
इंतजार हुआ खत्म और मेहनत हुआ सफल, हम पहुंच चुके हैं माता चिंतपूर्णी टेम्पल के एकदम द्वार के पास। वहां से ही हमें एंटर करना है। तो आप सामने ये जो बैरिकेड्स वगैरह देख रहे हो, यहीं से हमें टेम्पल की ओर बस बढ़ना है। 2 से 3 मिनट की दूरी पे है टेम्पल। यहाँ से 4 व्हीलर आगे नहीं जाती है, इसीलिए वो रोक रहे हैं। और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है इस समय, तो यहाँ से सिर्फ 2 व्हीलर या आप वॉकिंग ही एंट्रेंस मिल सकती है। तो यहाँ से क्रॉस करने के बाद बस हम मंदिर की तरफ चले जाते हैं। और वहाँ पर मंदिर में आगे जाने के बाद सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पर ये है कि आप जहाँ से प्रसाद लेते हो वहाँ पर आपको पार्किंग फैसिलिटी भी दी गई है। तो बस हम यहाँ से निकलते हैं, आगे जाते हैं और जहाँ पे हम प्रसाद लेते हैं वहीं पे अपनी पार्किंग भी करते हैं। साथ ही साथ गाइज आप देखो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी माता के दर्शन के लिए। तो यस, दिस इज हाउ इट ऑल लुक्स लाइक। यहाँ पहुँचने के बाद दिल को दहलाने वाला जो नज़ारा हमने देखा वो कुछ इस तरीके से था। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी और हमको आज के आज ही मतलब 1 घंटे में मैक्स टू मैक्स निकलना था। तो आप ये देख रहे हो लाइन यहाँ से और अंदर तक कहाँ तक गई हुई है। तो यस, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, तो वी हैड टू फिगर आउट समथिंग। बट पहले हमने अपनी बाइक को रखा पार्किंग में एंड बाइक को पार्क कर दिया है यहाँ पे। ऐसे बैठ जाएगा तो दस मिनट नहीं हो सकता। तो बाइक को हमने पार्क कर दिया है। यहाँ पे लाइन लगी हुई है और कृष्ण सुगंधित धूप इस शॉप पे हमने अपने लगेज रख दिया है, शूज एंड ऑल यहाँ पे रख दिया है, बाइक को पार्क कर दिया है। अब हम जाएंगे लाइन में लगेंगे और फिर दर्शन करेंगे, प्रसाद ले लेते हैं फिलहाल हम अभी। बाय द टाइम वी वर फिगरिंग इट आउट, हमने देखा कि सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग से रास्ता है टेम्पल में एंटर करने का। तो वी वेंट देयर एंड देन वी रिक्वेस्टेड एंड वी टोल्ड देम दैट यू नो इट इज़ हाउ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लीव टुडे एंड दैट इज़ व्हाई दे लेट अस गो इन। एंड यस, फिर हम लकीली अपना हमने सारा दर्शन 2 घंटे में कम्प्लीट किया एंड देन वी केम आउट।